सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश धारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। चलिए चर्चा करेंगे कैंटो 4 अध्याय 4 चैप्टर 21 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 31। टेक्स्ट 31 यत्पाद से भविरुचिस्तपस्विना अशेष जन्मोपचितं मलं धियम् सद्यः शृणोत्यन्वहमेधते सते यथा पदांगुष्ट विनेहि सुखाचरित। मंजू माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरणों के अंगूठे से निकलने वाला गंगा जल जब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता का कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो ये उपदेश कौन किसको दे रहा है, कौन बताएगा? जी राहुल पुत्र पृथ्वी महाराज अपनी प्रजा को राधे जी, पृथ्वी सुना। महाराज ये उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं। ही इज इंस्ट्रक्टिंग हिज सब्जेक्ट्स। जी राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। हरे तात्पर्य, कृष्ण। भारत में यह देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वह प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अत्यंत सम्मान्य ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वह केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती है, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वच्छ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा जल का प्रभाव है, गंगा की ऐसी महिमा है, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः पृथु महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति हो। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्तानि निगच्छति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पृथु महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए। हाँ जी, संस्तुति करते हैं क्या आगे? संस्तुति करते कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्य सारे पाप कर्म फल से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है, शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। इसी प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह शुद्ध रहता है और भौतिक कलमश से दूषित नहीं होता। अरे आगे भी आगे भी। इसके सॉरी ब्रो। लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य कर गुरु जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पाप को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाए। अरे हरे कृष्ण।
ये तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने चालू कहाँ से किया था और समाप्त कहाँ पर करते हैं? श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, पृथ्वी महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के चरणों से जो जल निकल रहा है गंगा का प्रभाव, वो किस प्रकार जीवात्मा को शुद्ध करता है। और भगवान की भक्ति, श्री प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, हर प्रकार से किसी भी जीवात्मा को, किसी भी मनुष्य को पूर्ण बना सकती है। और भगवान की भक्ति की महानता ये है, कल ही हम भगवद गीता में भक्ति शास्त्र की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि भगवान की भक्ति, अगर कोई सीधे ही भगवान की भक्ति में लगता है तो वह ब्राह्मण और परमात्मा दोनों के साक्षात्कार का जो स्तर है उससे वैसे ही आगे चला जाता है। तो हमें वो दो स्तर पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उतने कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए सीधा सीधा प्रयास ये है कि भगवान की भक्ति में कैसे स्वयं को नियोजित किया जाए, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के लिए ये बता रहे हैं कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं हमारे गुरु। क्योंकि तो दीक्षा के समय दीक्षा का महत्व इसलिए है, क्यों कोई भी व्यक्ति गुरु के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में गुरु क्यों होते हैं? वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, हमारे पूरे परिवार से ज्यादा, हमारे माता पिता से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जो हैं, हमारे माता पिता या हमारे इस दुनिया में जो भी हमसे प्रेम करता है, वो हमें केवल इसी जीवन के लिए हमें सुविधा प्राप्त करा सकता है। लेकिन गुरु जो होते हैं वो हमारे पुराने कर्मों के फल ग्रहण कर लेते हैं, पुराने पाप हमारे नष्ट कर देते हैं। और ये निर्भर करता है कि हमारी शरणागति उनसे, उनके चरणों में कितनी। इसलिए सबसे ज्यादा जो है गुरु का बलिदान होता है शिष्य के लिए, इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज्यादा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता भी रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए, लेकिन हम हमारे वर्तमान आचार्यों में देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते जा रहे हैं और ये जोखिम उठा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिष्यों का उन्हें पाप ग्रहण करना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है जो गुरु हमें दीक्षा देते। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 32। विनिर्धु विनिर्धुता शेष नोमल कुमान संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदिमूले कृतकेतन पुनर्न संस्कृति क्लेश प्रपत्ति। जी प्रफुल्ल प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, जो तीन प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। जी अक्रूर प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है, श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मल से स्वच्छ हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इसका पूरा पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठता है। वो इस तरह देहात्म बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियम में बंधकर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है। उसे इंद्रिय तृप्ति अथवा इस भौतिक अस्तित्व के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, यह बोधि ज्ञान है। वो वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। भव बंधन से विलग होने के दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो
तो देह त्याग के बाद वह इस भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आता, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान द्वारा की गई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक में आया हुआ विज्ञान शब्द का विशेष मत है, जब मनुष्य अपने आप को शरीर नहीं मानता तो वह जो आध्यात्मिक पहचान प्राप्त करता है वह ज्ञान है। और इसी की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मभूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। भौतिक अस्तित्व तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर का बोध ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर यह बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यात हुआ है। अतः श्री भगवान का कथन है कि उनका ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.2 में भक्ति में सेवा के विज्ञान को प्रत्यक्षावगम धर्मम में कहा गया, जिसका अर्थ है अनुभूति द्वारा धर्म के सिद्धांतों की प्रत्यक्ष समझ। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अन्य योगों में जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में वो अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित हो पाता है, किंतु भक्ति योग में उसे उसी प्रकार की अपनी उन्नति का पता चल जाता है जिस प्रकार भोजन करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई है। भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार जताने की झूठी क्षुधा वासना तथा ज्ञान की प्रमुखता के कारण होती है। भक्ति योग से इन दोनों गुणों में कमी आती है और मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है। वह क्रमशः सत्वगुण को प्राप्त पार करके शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं, उसे पता रहता है कि वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए, तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति में ज्ञान एक व्यक्ति को शुद्ध तो करता ही है, और भक्ति में ज्ञान से जो उसे साक्षात्कार प्राप्त होता है वो इन तीन तापों से मुक्त हो जाता है, और वह यह निश्चित रूप से भक्त जानता है कि वह इस जगत में वापस नहीं लौटेगा। यहाँ पे समझने वाली बात हमारे लिए ये है कि अगर हमें भक्ति करने के पश्चात भी इस भौतिक जगत से थोड़ी भी मात्रा में आ सकती अगर है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रगति वास्तव में हो नहीं रही। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर आपको आखिरी में शरीर का त्याग करते समय भौतिक जगत की किंचित मात्र वस्तु से भी आसक्ति है, चाहे वो कोई मिठाई खाने की इच्छा ही क्यों ना हो, तो भगवत धाम जाने में वह इच्छा अवरोध करे। तो अगर हम भक्ति करने के पश्चात भी अगर हम भौतिक जगत की चीजों से आसक्त हैं, तो समझना चाहिए कि हमें वह उच्चतम स्वाद भक्ति की प्रगति का नहीं मिल। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे। ओके, नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट 33। तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर् मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः काम दुहां कृपंकजं यथाधिकारावसतार्थ सिद्धयः। जी आयुष प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन। महाराज प्रथु ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबको अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपने सामर्थ्य तथा प्रति प्रति परक कार्यों के अनुसार पूरे विश्व तथा बिना हिचक के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तो तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ अर्पण करके और खुले मन से भगवान की सेवा करने का उपदेश दे रहे हैं, सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कारण से, मतलब एक्टिंग अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल कंडीशंस एंड नेचर। ओके, हाँ जी, तो किसको पढ़ेगा? जी श्याम गोविंद प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तभ्यम अर्च्य। मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इससे चार वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः प्रतु महाराज कहते हैं, गुणे स्वर कर्म भी। इस पद्यांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है।
चतुर्वन्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। श्री भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चार जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनाई गई है। जो व्यक्ति सतोगुण होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः यह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना, इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने कर्मों को करता हुआ अन्न उपजा कर गो की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि शूद्रों से अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उनके उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य शिव भगवान को अपने मन वचन कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं, सर हाथ पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार चार श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, हाँ इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग लेते हैं होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र स्वार्थ होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं तो फिर इस श्लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इसकी व्याख्या प्रथु महाराज ने यथा अधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे ना तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि गुणों के अनुसार सबसे नीचे स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा ना रहे। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमायना होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निम्न स्तर पर स्थान होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक ना हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्ति परक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में 9:32 भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रीय वैश्वस्था शूद्रोस्तोपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा पतित स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को कामु दुधाग्र अंग्री पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इस जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती है। और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्ण। काफी विस्तार से श्री प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि यहाँ तात्पर्य में वर्णाश्रम के विषय की चर्चा हुई है, किस प्रकार अपने वृत्ति पर कारण के द्वारा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि वर्णाश्रम को मिटाया तो जा नहीं सकता, तो इस जगत में बहुत सारे लोग हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं, शूद्रों के समान कार्य कर रहे हैं, और ब्राह्मणों के समान, हाँ ब्राह्मणों के समान लोग थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, क्षत्रियों के समान शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। तो वर्णाश्रम के यह कार्य करते हुए भी भगवान के भक्त वो लोग क्यों नहीं बनते? केवल कार्य करने से व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा, उसकी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसका मनोभाव क्या होना चाहिए, वर्णाश्रम की सिद्धि कब है
भागवतम में इसका प्रमाण आता है, सम सिद्धिम हरितोषणम। तो वर्णाश्रम में कार्यों की सिद्धि तभी संभव है जब एक व्यक्ति के अंदर मनोभाव यह होगा कि मैं सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये इस पूरे तात्पर्य का सार। व्यक्ति की प्रगति तभी होगी जब वह यह सोच के कार्य करेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो भगवान को सारे कर्म फल अर्पित करते हुए कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर हमारे ऐसे कोई भी भक्त हैं जो कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर सारे कर्म फलों को बाहर बहुत मेहनत का कार्य करके अगर सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों में और इस्कॉन के सन्यासी में कोई भी अंतर नहीं। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा। श्रील प्रभुपाद का लेटर भी है उसके लिए, वो लेटर श्रील प्रभुपाद ने श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लिखा कि अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हैं और सारा कर्म फल इस्कॉन के प्रचार में सेवा में दे रहे हैं, तो आप में और इस्कॉन के सन्यासी में कोई भी भेद नहीं। तो ये काफी काफी फेमस पत्र है श्रील प्रभुपाद का। तो ये हमें समझना चाहिए, वर्णाश्रम की सिद्धि भगवान को तुष्ट करने। जी, श्लोक क्रमांक 34। असा विहानेक गुणो गुणोध्वरा पृथक विदह द्रव्य गुणा क्रियोक्त भी संपद्यते अर्था शयलिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान घना स्वरूपतः। जी, आरती माता जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञ को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण जी। यस, अनिकेत प्रभु परपोट। तात्पर्य, वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए विविध प्रकार की यज्ञों की संस्तुति की गई है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उपदेश दिया। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा। इन्हें यज्ञ कहा गया है क्योंकि ये भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य भौतिक लाभ की प्राप्ति है, किंतु साथ ही इनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। ऐसे कार्य कर्मकांड कहलाते हैं और कर्मकांड प्रकृति के तीन प्रकार के गुणों से संदूषित रहते हैं। सामान्य रूप से कर्मकांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, किंतु बद्ध जीवों अर्थात मनुष्यों तथा देवताओं दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ये कर्मकांड अनुष्ठान भले ही संदूषित हो, किंतु इनमें कुछ न कुछ भक्ति रहती है, क्योंकि जब कभी यज्ञ किया जाता है भगवान विष्णु को मध्यवर्ती स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यत् किंचित प्रयास भी भक्ति है और यह अत्यंत मूल्यवान है। रंच मात्र भी भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्ध बनाती है और भक्ति से ये अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। अतः यद्यपि ऐसे यज्ञ ऊपरी तौर पर से कर्मकांड रहते हैं, किंतु उनके फल दिव्य होते हैं। कुछ यज्ञ तथा यथा सूर्य यज्ञ, इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं, किंतु ये देवता भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति भेंट अपने निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु वे भगवान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे सरकारी कर वसूल करने वाला अपने लिए कर संग्रह ना करके सरकार के लिए कर की वसूली कर सकता है। किसी भी यज्ञ को जो इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान तथा बोध के साथ किया जाता है, भगवद गीता में ब्रह्म अर्पणम भगवान को अर्पित यज्ञ कहा गया है। क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई यज्ञों के फल को नहीं भोग सकता, इसलिए भगवान का कहना है कि वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसी दृष्टि से यज्ञ संपन्न होना चाहिए। भगवत गीता का कथन है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वह उन ब्रह्म रूप क्रियाओं के परायण रहता है जिनमें ब्रह्म ही अग्नि रूपी गति है और अर्पित हवि भी
ब्रह्ममय यज्ञकर्ता को सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में वर्णित यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। विष्णुर आराध्यते पंथा, विष्णु पुराण। परमेश्वर को प्रसन्न करने के जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसे वास्तविक यज्ञ समझना चाहिए, और ऐसे यज्ञों के करने से भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भव बंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्ति है, जो निम्नलिखित प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आई एम ना विष्णु पहले गुरु प्रभा दिखे, वर्णित पहले गुरु चौदह प्रभा दिखे, फिर भक्त देखे को स्वामी विशुद्ध दिखाए, विज्ञान घना कहा गया सफाई है, से दिखा रहे अर्थात खावे उन्हें शब्द को स्वामी भगवान दिखा देते विष्णु हैं। के रूप में दिव्य ज्ञान को केंद्रित करके भगवान को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि यही वैसे है। देखिए आरती कैसी होती, जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपना पाता, उसे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अप्रत्यक्ष विधि अर्थात यज्ञ को अपनाना चाहिए। इसलिए विष्णु को यज्ञपति कहा जाता है। श्रियः पतिम यज्ञपतिम जगतपतिम भागवत। परम पुरुषोत्तम भगवान का गहन विज्ञान सर्वोच्च बिंदु पर संकेंद्रित है। उदाहरणार्थ औषधि विज्ञान कुछ वस्तुओं को ऊपर ऊपर जानता है, किंतु डॉक्टर लोग ठीक से यह नहीं जानते कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। किंतु श्री कृष्ण हर वस्तु को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि उनमें भौतिक विज्ञान का एक भी दोष नहीं है। भगवान विशुद्ध विज्ञान घन है, अतः यद्यपि वे कर्मकांडी यज्ञों को स्वीकार करते हैं, तो भी वे दिव्य पद पर बने रहते हैं। फलतः अनेक गुणों से भगवान के बहुत से दिव्य गुणों का परिचय मिलता है, क्योंकि भौतिक गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां या भौतिक तत्व क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत इतना बोलो सर, होते रहते अरे सर हैं, नहीं क्योंकि अरे सर अंततः भौतिक तथा इतना बोलो आध्यात्मिक उन्हें गुणों दबाए, में अरे कोई अभी अंतर श्री नहीं रह जाता। कृष्ण प्रभु किसी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। जस्ट अ सेकेंड मंत्री, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। आप कंटिन्यू करिए अनिकेत। जस्ट एक सेकेंड लो, छूट गया। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भौतिक तत्व क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भौतिक तथा तो जी बी नीड टू स्क्रॉल डाउन। यस यस जस्ट अ सेकेंड। अरे देखता था जी, यहाँ से पढ़ी। जी, भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। उत्तर उत्तर साक्षात्कार तथा शुद्धि की विधि से इसका बोध होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है, जिन्होंने भौतिक लाभ के लिए वन में जाकर ध्यान धारण किया, किंतु अंत में आध्यात्मिक रूप से इतने आगे बढ़ गए कि भौतिक लाभ के लिए उन्होंने किसी प्रकार के वर की चाह नहीं की। वे तो परमेश्वर की संगति से ही परम तुष्ट थे। आशय का अर्थ है संकल्प। सामान्य रूप से बद्ध जीव में भौतिक लाभ का संकल्प होता है, किंतु जब यज्ञ के द्वारा भौतिक लाभ की आकांक्षाएं तुष्ट हो जाती है, तो मनुष्य को उत्तरोत्तर आत्मपद प्राप्त होता है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। प्रत्येक प्राणी चाहे वह अकाम भक्त, सर्वकाम कर्मी अथवा मोक्ष काम ज्ञानी या योगी हो, भक्ति की प्रत्यक्ष विधि द्वारा भगवान की उपासना के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार वह एक ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो वास्तव में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ से यही बता रहे हैं कि जो यज्ञ किए जाते हैं वह वास्तव में रजोगुण कर्मकांड जो यज्ञ हैं वो रजोगुण से उद्भूत होते हैं, अगर उनका केंद्र इंद्र तृप्ति है तो। लेकिन अगर भगवान की भक्ति को माध्यम बनाते हुए कोई इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ भी करता है तो क्रमशः वह आत्मपद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बहुत उज्ज्वल उदाहरण ध्रुव महाराज का दिया जा रहा है कि ध्रुव महाराज को वो बदले की अग्नि में भड़क रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी तो भगवान की भक्ति ने ही उन्हें शुद्ध कर दिया, उन्हें जो चाहिए था वो भी उनको मिला, लेकिन वह शुद्ध हो गए। तो यहाँ जो श्लोक पर चर्चा की जा रही है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार थी तीर्थ भक्ति योगे न यजेत पुरुषा परम। ये जो शब्द है यहाँ सही नहीं है हिंदी के अनुवाद में, भगवान की उपासना के लिए प्रोत्साहित होता है, प्रोत्साहित नहीं होता है, उसे करनी चाहिए यजेत पुरुषा परम। उसे अगर व्यक्ति को
इस भौतिक जगत में हमें ये समझना है कि अगर हमारे अंदर कोई भी कामना हो, भौतिक जगत में भोग करने की भी अगर हमारी कामना है, या हमारी कोई कामना नहीं है, हम वैरागी बनना चाहते हैं, या हमारी मोक्ष की कामना है, कोई भी इच्छा अगर हमारे हृदय में है, कोई भी आकांक्षा हृदय में है, उसके पश्चात भी हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। कोई भी, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से अगर हमारी इच्छा पूर्ण भी होती है, अगर पूर्ण होती है या नहीं होती है, लेकिन हमारा हृदय अवश्य रूप से शुद्ध हो जाएगा। ये भगवान प्रमाण इसका देते हैं, भगवान निश्चित रूप से बताते हैं कि वैसे भक्तों की इच्छा हो सकता है पूरी करें, हो सकता है ना करें, निर्भर इस पर करता है कि भक्त किस प्रकार, भक्तों का स्तर और प्रगति किस प्रकार, लेकिन हमारे हृदय की शुद्धि जरूर हो जाएगी। ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार वर्णन देते हैं और इस प्रकार का श्लोक आता है। तो उस पर हम ज्यादा विस्तार चर्चा नहीं करेंगे, हम यहीं पर आज का सत्र समाप्त करते हैं। हम कम कम ही श्लोक पढ़ पाए क्योंकि बहुत ही लंबे लंबे तात्पर्य इस अध्याय में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। हरे कृष्ण। सो विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके रख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, करेक्शन, किसी को कुछ सुझाव देना है, कुछ करेक्शन देना है तो बता सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु, यस, परमेश्वरी माता जी। ये जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं कि जो जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया गया, तो हाँ जी, ये जो भक्ति है सकाम कर्म में आती है या इसको हम कैसे किसके अंडर सकाम कैटेगराइज कर सकते हैं? जी, ऐसी भक्ति प्रारंभ में तो शुद्ध भक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रारंभ में अगर व्यक्ति की कामना है तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये सकाम भक्ति में ही आती है, क्योंकि उस व्यक्ति की कोई कामना है। लेकिन अगर वो भक्ति में पूर्णतया रत है, पूर्णतया नियोजित है, तो धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करते करते उस भक्ति का इतना उच्चतम स्वाद ऐसे भक्तों को मिलता है कि इस भौतिक जगत की कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती, तो वो स्वतः ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएगा, जैसा कि ध्रुव महाराज के साथ हुआ था। यस थैंक यू। यस, आरती मात्री। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी, मेरा थोड़ा विषय से अलग प्रश्न है, पूछ सकती हूँ क्या? पहले विषय वाले पूछ लें, फिर आप विषय से अलग पूछ लीजिएगा। जी जी, गीता इंदुलेखा माता जी, बताइए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस यस। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने बात करी कि आपने वो पपट में आए प्रभु के कि चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने कहा है ज्यादा शिष्य ना बनाए, और हमारे इस्कॉन में बनाते हैं, और हमने इसका रिजल्ट भी देखा है कि जयप्रकाश स्वामी महाराज के और गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के शिष्य ज्यादा और उनकी कंडीशन ज्यादा फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं, और फिर भी ये सब देखते हुए भी नालायक शिष्य सुधरते नहीं है कि हमने गुरु के प्रति उनका सरेंडर ही हो जाए या ठीक हो जाए कि ये सब हमारे गुरु को ना सहा करना, ये सबको कैसे समझे फिर? जी, बखान काफी व्यावहारिक प्रश्न है कि शिष्य नहीं बनाने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य ये उपदेश है, उन्होंने रूप गोस्वामी को भी कहा था, रूप गोस्वामी ने भी ये अपनी पुस्तकों में लिखा है। लेकिन वास्तव में अगर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये भी उपदेश है कि पृथ्वी ते आछे यत न करादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, तो अभी अगर हमें हर नगर और ग्राम में भक्ति का प्रचार करना है, लेकिन ये तो भक्त को भक्ति में अग्रसर करने के लिए उसे दीक्षा देना आवश्यक, बिकॉज इट्स इट्स वन फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन विच अ डिसाइपल गेट्स, नहीं तो उसको प्रगति करना संभव नहीं है। इसीलिए जो गुरु है हमारे वर्तमान आचार्य वृंद है, उनको ये रिस्क लेना पड़ता है, ये जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि जो हम महाप्रभु का उद्देश्य है कि नगर आदि ग्राम में भक्ति का प्रचार होना चाहिए, वो इस उद्देश्य से बड़ा है कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। वो महाप्रभु का आदेश, ये महाप्रभु ने एक संदर्भ में कहा है, लेकिन उनका असली आदेश पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाना है। इसलिए
इसलिए हमें जो कि ज्यादा शिक्षा हमें भक्तों को भी देनी है कि क्योंकि उन्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु को उनके कर्म भोगने पड़ेंगे, इसलिए वह बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति करें। इसलिए किसी भी मंदिर की जो अथॉरिटीज हैं, लीडर्स हैं, किसी को भी दीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए केवल इसीलिए कि वो आदमी मेरे अंडर आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको इनिशिएशन करवाया है। ये बहुत ही घातक मनोभाव है जी और इसलिए भक्तों को प्रारंभ से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो शुरुआत से ही भक्ति का जो अभ्यास है वो गंभीरता पूर्वक करे, जिससे दीक्षा के समय परेशानी ना आए। और तीसरा कि अभी ज्यादा ही प्रभुपाद के शिष्य जो थे यह वैश्विक स्तर पर आचार्य थे, देवर वर्ल्ड आचार्य, सो दे हैड टू गिव सो मेनी इनिशिएशंस। बट अभी जो इस्कॉन में और गुरुओं की आवश्यकता भी होगी जो कि अभी और बन रहे हैं, तो वो इतने बड़े स्तर पर मुश्किल ही है कोई पहुंचे। तो ये जो आपने नाम लिए जो हमारे वर्तमान आचार्यों में से, ये मतलब ऐसा है कि जैसे श्रील प्रभुपाद कभी नहीं आने वाले, वैसे ही इनके जैसे जो आचार्य और गुरु हैं ये इतिहास में कभी नहीं आए। तो अभी जो गुरु बनेंगे वो हाँ उतने स्तर पर कभी भी दीक्षा नहीं देंगे, बहुत ही असंभव है, बिरला ही कोई ऐसा आएगा, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए इस्कॉन में और गुरुओं की आवश्यकता है और भक्तों की आवश्यकता है जो कि भक्तों को प्रेरणा प्रदान करें, दीक्षा प्रदान करें। तो दैट विल बी माय आंसर, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मतलब। यस थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन थैंक यू जी गौरीशंकर प्रभु बताइए। प्रभु जी कल 27वें श्लोक में आया था कि पूर्व नियोजित आया था प्रभु जी कल 27वें श्लोक में कल के क्लास में, तो वो पूछना चाह रहा पूर्व नियोजित किसे कहते हैं तात्पर्य 27वें श्लोक में, एक कल। मिनट प्रभु जी जरा मुझे खोलना पड़ेगा। पूर्व हाँ प्रभु नियोजित, हाँ माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो अपने अपने वर्तमान कार्य के अनुसार पुरस्कृत करे। अंततः इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं? ये पूर्व नियोजित कहाँ है इसमें? कल क्लास धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु यस। जी 81 पेज पे है ये 81 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में संयोग के सिद्धांत की श्रेष्ठ व्याख्या वैदिक साहित्य में अज्ञात सुकृति शब्दों में प्राप्त होती है, जिससे कर्ता के अनजाने किए गए पुण्य कर्मों का बोध होता है, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं। हाँ जी अच्छा, ये पूर्व नियोजित का अर्थ है, पूर्व में नियोजित मतलब पहले से ही, पूर्व से ही इनके फल प्राप्त में हो चुके हैं, मतलब पहले से ही डिसाइडेड है, निश्चित है कि कौन से कर्मों का हमें क्या फल में मिलने वाला है, ये अर्थ है पूर्व नियोजित। ठीक है ठीक बोलिए। है हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। ये जो यस बोला अज्ञात स्मृति, मतलब अज्ञात स्मृति में जो कर्म किए जाते हैं ये भी पूर्व नियोजित होते हैं। जी, अज्ञात सुकृति में जो कर्म है वो पूर्व नियोजित नहीं होते हैं माता जी। पहले बात तो ये आ कहाँ से रहेगी, कौन बोल रहा एटी है? वन पेज पे प्रभु जी सेकंड पैराग्राफ है, मेरा जी भी जी ये क्वेश्चन था। हाँ, अज्ञात सुकृति पूर्व नियोजित कर्म नहीं होती है माता जी। ये तो क्या होता है इसमें कि हाँ हाँ बताइए। इसमें यही बोला भाई, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं ये। कुछ हमारे पुण्यों का फल होता है कि हमें ऐसा करने का अवसर मिलता है, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में आते हैं तो ये उनके पुण्य का प्रभाव है कि इस्कॉन मंदिर में वे आ रहे हैं,
लेकिन अगर इस्कॉन मंदिर में वे आए हैं तो यह उनका पूर्व नियोजित कर्म है, उनके पुण्य का प्रभाव है कि वहां आने का उनको अवसर मिला। लेकिन अगर उसका उपयोग करते हुए वे वहां कुछ सेवा कर देते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के दर्शन में कुछ सेवा कर देते हैं, तो ये अज्ञात स्वीकृति फिर उनकी बन जाएगी। लेकिन उसका कारण उनका पुण्य ही था जो कि पूर्व नियोजित, इस प्रकार से तो वो निर्भर उन पर करता है कि वह उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और बहुत सारे व्यक्ति चले भी जाते हैं, लेकिन अज्ञात स्वीकृति जब उनकी प्रारंभ होती है तब उनकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति फिर से प्रारंभ हो जाएगी। वहां से ऐसे स्वीकृति इकट्ठी करते करते फिर वो भक्त बने, इस प्रकार से। तो प्रारंभ पूर्व नियोजित कर्म से ही होता है, जो कि पुण्य का प्रभाव से ही उनकी अज्ञात स्वीकृति की तरफ वो जाते, पूर्व नियोजित कर्म से ही। ठीक है माता जी, जी सर। हरे कृष्ण जी। आरती माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली जैसे भारत एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ पर किसी भी बच्चे बच्चों को भी आध्यात्मिकता की थोड़ी बहुत नॉलेज तो रहती ही है। तो हम एक धर्म विशेष के प्रति जैसे कट्टरपंथी हो जाते हैं, तो बचपन से मेरे अंदर एक धर्म विशेष के प्रति बहुत ही घृणा का भाव है। तो कोई भी वो दिखता है ना, वो जागी वागी टोपी या ऐसा, वो तो मुझे बहुत घृणा होती। कल भी मैं क्या रास्ते में आ रही थी तो उस चीज को कैसे टैकल करें, ताकि वो स्पिरिचुअल थे, अपने धर्म में जो थे वो कोई शायद गुरु होंगे या कुछ होंगे, व्हाइट कलर का पहन रखा था और टोपी ओपी। तो मुझे मतलब इस चीज को मैं उनसे मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत घृणा होती है, और मैं मतलब उनको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो उस चीज को कैसे, अभी जैसे हम बोलते हैं कि सब भगवान के ही बच्चे हैं, फिर भी वो भाव नहीं आता है देखकर, और मतलब हाउ टू टैकल दैट। गुड क्वेश्चन। और वास्तव में ये आपके साथ ही नहीं माता जी, ये सबके साथ ही ये परेशानी है, क्योंकि तो बचपन से यही सुन के बड़े हुए हैं कि इनसे घृणा ही करनी है। काफी राजनीतिक प्रश्न है ये, लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, हमें ये समझना है कि वास्तव में हर व्यक्ति भगवान का अंश, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। हालांकि भगवान के हर अंश से हमें वैसे व्यवहार नहीं करना है जैसे हम सबसे करते हैं, तो ये आदर तो हमें देना चाहिए, क्योंकि जो कट्टरपंथी भी हैं सारे लोग वैसे नहीं हैं। कुछ जनता सामान्य होती है जो कि सामान्य जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन उनका उनके मस्तिष्क को हिलाने वाले बहुत सारे लोग, तो वे कट्टरपंथी होते हैं, वैसे ही दूसरे लोगों को भी वैसा बना देते हैं। लेकिन और समझने वाली बात यहाँ पर मेनली ये है कि अगर हमें कहीं भी ऐसा, अगर हमें दृश्य भी देखने को मिलता है तो हाँ घृणा नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन हमें ये घृणा जो हमारे अंदर आई है, ये जो कभी क्रोध हमें आता है, ये हमें प्रचार में इसका नियोजन करना चाहिए। ये सब वास्तव में क्यों हो रहा है कि क्योंकि हम प्रीचिंग कम कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जगह जाकर प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हम दृश्य देखते हैं और हमारे अंदर क्रोध की भावना आती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम प्रीचिंग कर रहे हैं क्या, है कि नहीं? क्योंकि प्रचार के माध्यम से हमारे भक्तों ने प्रचार किया तो एक मुस्लिम देश में इतने सारे भक्त बन गए, और हमारे भारत देश में जो हमारे भारत की जनता है, सनातन धर्म का पालन करने वाली जो जनता है, वह ईसाई और मुस्लिम बन रही है, तो ये गलती किसकी है? ये हम जैसे लोगों की गलती है कि नहीं? बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस्कॉन के भक्तों में विशेष रूप से भारतीय जो भक्त अभी चल रहे हैं, प्रचार भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन ज्यादा प्रचार देखते, ज्यादा बड़ा मंदिर देखकर, ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम देखकर हमें लग रहा है कि हाँ इस्कॉन तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक बहुत बड़े इस्कॉन में है जहाँ बहुत सब कुछ अच्छा है,
बहुत पैसा आ रहा है, सारा पैसा अमेरिका जा रहा है, सारे प्रकार की विविध भ्रांतियां हमें रहती हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है अभी, हमें प्रचार को और बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है प्रचार का जो दायित्व है वो केवल मंदिर के भक्तों का है, ब्रह्मचारियों का है, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका है, वो कुछ बताएंगे तब हम प्रचार करेंगे, वो नहीं बताएंगे तो हम घर में घुसे रहेंगे, हमारा जॉब करते रहेंगे, हमारा घर संभालते रहेंगे। कहने के लिए भारतवासियों के पास ये कारण होता है कि प्रभु जी घर भी चलाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। हम सबके अंदर वो प्रचार की आग होनी चाहिए, और जब हमारे अंदर वो इच्छा होगी तब हम अलग अलग तरीके भी निकालेंगे किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं, है कि नहीं? बहुत अलग अलग तरीके हैं, और हर व्यक्ति आप में से जितने भी इस जूम मीटिंग में हैं, प्रभु जी, माता जी, बच्चे, हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, प्रीचिंग कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। टारगेट हमें लेना चाहिए कि अगर हमारे संडे फीस्ट में अभी 200 करीब व्यक्ति आ रहे हैं, 150 करीब भक्त आ रहे हैं, तो एक साल में करीबन हमको उसको 300 करना है। जी अगर हम उस प्रकार से जो है सहकार्य करते हुए हार्डवर्क नहीं करेंगे, प्रीचिंग में मेहनत नहीं करेंगे, तो प्रचार कम होगा, और कम प्रचार होगा तो ऐसे ही लोग देखने के लिए मिलेंगे हमको। हम प्रीचिंग बढ़ाते क्यों नहीं, पुस्तक वितरण करते क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी है बार बार जब कृष्ण किशोर प्रभु आप लोगों में पीछे आग लगाएं तभी हम लोग प्रचार और पुस्तक वितरण के लिए जाएं। खुद हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, हम चाहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का परिवार बढ़े। तो अगर हमें उनको देखकर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर वो भावना है कि क्यों ये लोग भारत में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो वास्तव में हमें प्रचार बढ़ाना चाहिए कहीं भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ब्रह्मचारियों का काम है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ ब्रह्मचारी नहीं है, मंदिर भी नहीं, केवल माताजियों ने, लड़कियों ने स्कूल में, कॉलेज में इतना प्रचार किया, बच्चों के माध्यम से करीबन 4-5 हजार भक्त बना दिए। ऐसे सच में बहुत सारे स्थान हैं, हरी बोल। है कि नहीं? केवल माताजी ने स्कूल में पढ़ाती थी तो उन्होंने बच्चों को इतना प्रचार किया कि उनके परिवार जुड़ गए, ऐसे करके 5 हजार भक्तों का समुदाय बना दिया। 5 हजार हमारे उज्जैन में नहीं है भक्त, है कि नहीं? और ये केवल माताजी ने किया, तो इतना इतना सामर्थ्य है भक्तों में। लेकिन वो है कि बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में मिलता है कि वास्तव में जो मध्य प्रदेश के जो लोग होते हैं थोड़े ठंडे रहते हैं, विशेष रूप से ही जो मालवा क्षेत्र है। आप दिल्ली के भक्तों में देखेंगे तो उनमें तो हमेशा आग लगी रहती, पता नहीं आप में ऐसा अनुभव किसी को होगा कि वो हमेशा उन प्रचार के अलावा कुछ सोचते नहीं है, हर सत्र में प्रचार कर। तो हमें वैसा ठंडा बर्फ का गोला बन के नहीं रहना, जी हमेशा हमारे अंदर अशांति रहनी चाहिए कि प्रीचिंग नहीं हो पा रही, ज्यादा भक्त चाहिए हमें, इतने सारे क्यों हैं, प्रभु जीओं की हमें मदद करनी है, महाराज की हमें सहायता करनी है, इतने भक्त बनाने, मंदिर भरा रहना चाहिए। तो ये जब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी तब तक हम बस क्लास करेंगे, रविवार में एक दिन दर्शन देंगे भगवान को, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो ज्यादा से जी ज्यादा प्रभु हमें प्रचार का अभ्यास भी, प्रचार सीखना भी चाहिए, और करना जितना आता है उतना करना चाहिए, ठीक है ना? ये सारी तो सब कुछ चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि 1971 की बात है, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था बांग्लादेश के पीछे, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप क्या भारत पाकिस्तान कर रहे हो, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मैं अकेला पूरी दुनिया में मैंने इतना प्रचार किया, आप मुझे भारत पाकिस्तान के पीछे लड़ते क्यों? आप मुझे 10 लोग दे दो, मैं पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना दूंगा, जी है कि नहीं? पूरे विश्व को भारत बनाया जा सकता है, जो कि बनाया है श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने, है कि नहीं? तो हमें सहायता करनी, हमें वैसे वैसे वाले भक्त बन के नहीं रहना कि बस संडे को आकर भगवान को दर्शन दिए अपने, भगवान के दर्शन लेने नहीं जा रहे हैं, भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं, भगवान हफ्ते भर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब आएगा ये आदमी, संडे को ही आएगा, बस संडे फीस्ट के 15 मिनट पहले आएगा, दर्शन देगा और चला जाएगा, तो हमें वैसे भक्त नहीं बनना, ठीक है जी नहीं?
तो वैसा माहौल हमें बनाना है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा क्षमता के अनुसार हम प्रीचिंग करें, जहां मर्जी हो करें, अपने पड़ोस मोहल्ले में करें, स्कूल में करें, अपने वर्क प्लेस पर करें, जहां कर पा रहे हो करें, हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारियों की ही यह दायित्व, गृहस्थ भक्त कर सकते हैं, माता जी कर सकती हैं, लड़के लड़कियां बच्चे सब कर सकते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो वास्तव में हम सारे लोगों को भक्त बना देंगे, है ना। तो ये आपके मन में फिर ये व्यथा नहीं रहेगी कि जाली वाली टोपी देखकर आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आपको अगर आक्रोध आता भी है तो ज्यादा प्रचार करें, ठीक है माता जी। प्रभु जी कल एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ। मतलब मैं बीड बैग ये हुई थी, 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं थे, यात्रा में थी। तो मेरे बगल में कपल बैठे थे, तो मतलब उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, यू लुक लाइक अ वेरी स्पिरिचुअल, बीड बैग वगैरह है। तो मैंने भी उनको मतलब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं ऋषिकेश जा रहे हैं। तो मैं क्यों जा रहे हो, मतलब एडवेंचर है या स्पिरिचुअल, बोले बोथ, स्पिरिचुअल एंड एडवेंचर बोथ। तो फिर मैंने उनको प्रयास किया कुछ प्रीच करने का, बोले आपने आप तो बड़ी आध्यात्मिक लग रही हैं, बीड बैग वगैरह ले रखा है आप, बहुत भक्ति करते, तिलक भी था। तो मैंने उनको प्रीच करने का कोशिश किया, मतलब मैं क्यों, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैं तो मतलब मेरे मन को शांत करने का मुझे अच्छा लगता है, आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन, मुझे पीसफुल लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा ऐसा आत्मा वगा करके मैंने समझाने का प्रयास किया, श्री प्रपात का जैसे विदेशों वाला एग्जाम्पल भी दिया। पर मुझे कहीं ऐसा लगा, प्रभु जी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हम कैसे स्टडी करें, कि अभी हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं कि हम सामने वाले को इतने अच्छे से प्रीच कर पाए, तो कैसे अपने आप को कैसे अपना नॉलेज बढ़ाए। बुक रीडिंग मतलब टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता है, तो बुक रीडिंग का प्रयास करते हैं, क्लासेस मोस्टली अटेंड करने का कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा प्रीच, इनिशियली प्रीच एक नए पर्सन को कैसे करें, तो हाँ जी, इन शॉर्ट जी। ये देखिए अभ्यास से ही आता है, ये अभ्यास आप करेंगे तो प्रचार के माध्यम से अपने आप ये सब चीजें आप सीख जाएंगी। जब आप प्रचार ज्यादा करेंगे ना तो लोग आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आपको ही समझ में नहीं आएगा कि ये तो मैंने इस कॉल में कभी नहीं सुना, ये लोग कैसे पूछ रहे। तब आप आकर और गहन अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे कि जब हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को या अलग अलग भक्तों को, तब हम ज्यादा अच्छे से फिर जब उसके बाद उसे पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि अब हमें उसे उसे सिखाना है। जब हमें सिखाना होता है तो हम ज्यादा अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जब भी अध्ययन करें या क्लासेस हम अटेंड करें, हमेशा हमें नोट्स बनाने चाहिए, चाहे हम ऑनलाइन बनाएं चाहे हम हमारे कॉपी और पेन में बनाएं। मैंने बहुत भक्तों को आप में से देखा है, बहुत सारे भक्त नोट्स बनाते हैं, डायरी पेन लेकर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कथा सुनने आते हैं, बस प्रभु जी का काम बोलना, हमारा काम सुनना, और फिर उसके बाद ना प्रभु जी को याद प्रभु जी ने क्या बोला, ना हमें याद हमने क्या सुना। तो वैसे हमें कथा सुनने के लिए नहीं आना। अभी जैसे आज के ही सत्र में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में कितनी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई थी, केवल इसे ही हम नोट कर लें, भागवत हम हमारे साथ में रखें, जो हमें इंपॉर्टेंट लगा हम उसको नोट कर लें, हाईलाइट कर लें और फिर उसे याद करें, उसी से हमारा कितना, उसी से हमारी कितनी प्रगति हो जाएगी, कितना हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम उतनी गंभीरता से ना पुस्तकें पढ़ते हैं ना प्रवचनों को सुनते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद ने कौन कौन से पुराण, भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, कहाँ कहाँ से प्रमाण दिए। सोचिए पहले स्कंद से चतुर्थ स्कंद पर हम आ गए, श्रील प्रभुपाद ने कितने ऐसे प्रमाण दिए होंगे, और आप में से किस किस को सब कुछ याद है। अगर आप केवल श्रील प्रभुपाद की उन श्लोकों की लिस्ट बना लें जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताए हैं फर्स्ट कैंटो से अभी तक, उसी में आप परम पंडित बन जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें उतनी गंभीरता से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है, या कोई पढ़ा रहा है तो उसको ध्यान में रखना है कि नहीं। इसलिए बार बार अनुरोध किया जाता है कि वीडियो सब चालू रखा करें, जो कि जेन्युइन रीजन किसी के पास है कि घर में काम करते हुए कोई सुन रहा है, समय नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके पास समय अगर है, आप अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, तो इसलिए वीडियो चालू रखना चाहिए, एकदम ध्यान मग्न होते हुए क्या बोला जा रहा है लिखा उसको, या भागवतम में लिख लिया या भागवतम में हाईलाइट कर लिया, गंभीरता पूर्वक हर चीज करनी, तब हमारे दिमाग में जाएगा। गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे तो प्रचार के समय भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे।
और अगर गंभीरता पूर्वक करेंगे तो प्रचार के अभ्यास से हमारा ज्ञान और हमारा साक्षात्कार का स्तर बहुत बढ़ेगा। बहुत सारे भक्त हैं जो कि पहले इंट्रोवर्ट थे, स्टेज फियर जिनको था, कुछ भी नहीं जानते थे। मैं मेरा उदाहरण आपको बताता हूं, मुझे स्टेज फियर था। क्या विश्वास कर सकती है मुझे स्टेज फियर था? जब मेरे हाथ में माइक आता था मेरे पैर कप कप आते थे, मेरा मुंह हिलने लगता था, मैं कुछ नहीं बोल पाता था, हकलाता था, हिचकिचाता था। लेकिन प्रचार के अभ्यास करते करते वो धीरे धीरे, हर जो भी भक्त ये करता है वो सीख जाता है। लेकिन हमें कोई भी हम चीज कर रहे हैं भक्ति में, चाहे आप भागवत प्रवेश अटेंड कर रहे हैं, चाहे संडे फीस्ट अटेंड कर रहे हो, चाहे कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, हर एक चीज हमें सीरियसली अटेंड करनी है। वीडियो चालू रखकर, नोट कॉपी पेन के साथ, भागवतम में हाईलाइट करते हुए क्या क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि नहीं। हम क्लासेस अटेंड करते हैं रेडियो के जैसे, है कि नहीं? कोई भागवतम पढ़ा रहा है तो मोबाइल चालू करके रख दिया। अब वो रेडियो आता था ना, दूरदर्शन पे रंगोली का सीरियल आता था पहले। आज हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं पिंटू, पिंकू, रश्मि और दीपक। इनका फेवरेट गाना है कयामत से कयामत तक, ये तो अभी ये सुनेंगे। तो वैसा करके हमने मोबाइल रख दिया, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। इस प्रकार से हमें अध्ययन नहीं करना है। अगर प्रचार हमें बहुत अच्छे से करना है तो, नहीं तो ऐसे ही चालू रखिए रेडियो के शो जैसा, फोन से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो वैसे जैसे हम चीजें करते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, ये प्रशिक्षण चल रहा है। दिस इज वेरी सीरियस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वैसा नहीं है कि सुबह बस आधे घंटे डोज के रूप में सुन लिया, उस प्रकार से नहीं। जितना गंभीरता पूर्वक हम सीरियसली भक्ति का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान सम्मिलित होता जाएगा। जब आप प्रचार करेंगे ना, तो वो अपने आप आपके अंदर निकल जाएगा। एक लास्ट चीज बता के मैं अंत करता हूँ। एक बार हम पुणे में थे तो श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज वहां पर आए थे। महाराज आते रहते थे क्योंकि वहां के जीबीसी थे, तो हमें महाराज का बहुत संग मिला है। हर महीने 2 महीने में महाराज आते थे। तो महाराज एक बार मजाक कर रहे थे एक बार ऐसे ही। तो महाराज कहते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं सीरियसली, उनके लिए सारा आध्यात्मिक ज्ञान उनके माथे पर रहता है, और जैसे ही प्रचार करते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है। जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ते ही नहीं है, उनका ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सर के पीछे चला जाता है। ऐसा होता नहीं है, महाराज मजाक कर रहे थे, कहते हैं सर के पीछे चला जाता है। इसलिए जब उनको कोई प्रश्न पूछो ना, तो पीछे सर खुजाते हैं कि इसका उत्तर क्या है, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया, प्रभु जी ने क्या बताया था। तो ऐसा महाराज बता रहे थे। अगर हम गंभीरता पूर्वक चीजें नहीं पढ़ेंगे, और गंभीरता पूर्वक कोई भी कुछ भी होता है भक्ति में, हमें गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। चाहे हमारा कोर्स हो, क्लास हो, बुक रीडिंग हो, कुछ भी हम अटेंड कर रहे हैं, तो सीरियसली, ऐसा रेडियो शो जैसा नहीं कि रेडियो किचन में चालू करके रख दिया और बस हम बैठे हैं आनंद उठा रहे हैं, उस प्रकार से नहीं। सो वी शुड बी वेरी वेरी सीरियस, तब हमारे अंदर ये ज्ञान सम्मिलित होगा। तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा नए लोगों को क्या बोले, पहले हमें उतने तरीके से ग्रहण कर। ठीक है, आपके प्रश्नों में समय मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, ये भक्तों की इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थैंक ठीक यू है सो माता मच जी, फॉर हरे डन कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत समय ले लिया मैंने, क्षमा चाहता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।